ये देखिए, सबसे पहले हमने ये जो स्ट्रॉबेरी बेरीज हैं इनको अच्छे से धोकर काट लिया है और मिक्सी के ग्राइंडर जार में मैंने डाल लिया है। इसको अब मैं ग्राइंड करूंगी, इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। और ये देखिए 10 to 15 मैंने ये ली थी, और ये देखिए इस टाइप का इसका स्मूथ पेस्ट, स्मूथ भी नहीं कह सकते, मैंने 2 बार इसको चलाया है। और इसमें मैंने मिश्री पाउडर साथ में डाला है क्योंकि थोड़ी ये खट्टी थी, तो उसको डाल के मैंने इसको चला लिया है। तो देखिए कुछ इस टाइप का ये बन गया है। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, और ये नेचुरल कलर है। जिस भी चीज में आपको डालना है, स्क्वैश बनाना है, कोई ड्रिंक बनाना है, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी क्रश जो है ये तो आपने देख ही लिया है कि हमने कैसे बनाया है। ये देखिए, अगर ये ऑलरेडी तैयार करके अपने फ्रिज में रखा हुआ है ना, तो भी आसान हो जाता है बनाना। और मैं इसमें, मैंने पहले एक मिल्क शेक आपका डाला है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, इसमें गौन कतीरा यूज करने वाली हूँ। ये होता है गौन कतीरा। इसमें डिफरेंस ये है कि ये गर्मियों में खाया जाता है और दूसरा जो गौंद आता है वो सर्दियों में खाया जाता है। उसके लड्डू बनते हैं और वो पानी में डालने के बाद इतना फूलता भी नहीं है, तो आप इसको क्रश करके भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये बारीक बिल्कुल इस तरह से किराने की दुकान पे मिल जाता है। ये हमने 1 टेबलस्पून, केवल इतना सा, ये 1 ग्लास पानी में हमने भिगोया है और ये इतना सारा ओवरनाइट में हो गया है बनकर तैयार। तो ये हम करते हैं साइड में। और जो मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश में ये मिलाया है मिश्री, वो ये है धागे वाली मिश्री है, इसको मैंने ग्राइंड करके ऐसे पाउडर बना लिया है। और अभी अगर हमें थोड़ी और जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी यूज करेंगे। ये है आइस क्यूब्स और ये है मिल्क। तो आइए फटाफट ये अच्छा सा एनर्जी वाला ड्रिंक तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम जार में डालेंगे थोड़ा सा मिल्क, और वैसे आप सीधा भी इसको मिला सकते हैं, ग्लास में भी आप इसको मिला सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे भी आपको करके दिखा रही हूं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ये मिश्री का पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। कुछ डालेंगे हम इसमें आइस क्यूब्स। ये देखिए कुछ इस तरह का ये ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम मैं डाल रही हूँ 1 स्कूप, और साथ में डाल रही हूँ मैं बचा हुआ सॉरी मिल्क। और इसको हम एक बार फिर चलाएंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं ग्लास में। अगर आप इसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप आइसक्रीम ना डालें। ये देखिए हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे, और नीचे थोड़ा सा मैं ये स्ट्रॉबेरी क्रश डालूंगी, और साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा ये गोंद कतीरा, और अब मैं डालूंगी ये शेक। आप देखिए बहुत यमी लगने वाला है। और इसमें हम फिर से थोड़ा सा डालेंगे गोंद कतीरा, ये बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा, जरूर खाइएगा, जरूर पीजिएगा, बनाइएगा। और थोड़ा सा हम ये डालेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश, और इसको आप ऐसे सर्व कीजिए, है ना यमी टेस्टी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।